उत्तराखंड में कांग्रेस एक बार फिर से कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए काम करना शुरू कर चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या जी हैं, जानेंगे उनसे। सर 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 2014 से लेकर 2024 तक अभी तक जो सांसदों की बात करें, पांचों सीटों पर भाजपा का कब्जा है। कुछ जगहें ऐसी हैं जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई तो दे रही है, लेकिन वहां पर सही कैंडिडेट ना होने के चलते एक बार फिर से नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो इसको कैसे कवर करने की कोशिश करेंगे आप लोग? देखिए, जो वर्तमान सांसद है, पांचों सांसद भारतीय जनता पार्टी के, मैं इनसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि 5 साल मैं अपने संसदीय क्षेत्र में इनकी क्या उपलब्धि रही है। ये 5 महत्वपूर्ण योजनाओं का उल्लेख कर दें, 5 काम बता दें कि हमने इन 5 सालों में हमने 5 बड़े काम किए हैं, बड़े प्रोजेक्ट लाए हैं, डेवलपमेंट के काम किए हैं, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। और आज इनके मुद्दे, 2014 का मुद्दा अलग, 2017 का, 19 का अलग, 2024 का मुद्दा अलग, हर बार बदलते मुद्दे बदलते हैं और धर्म जाति की राजनीति करते हैं, समाज को बांटते हैं। और जो हालात हैं, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, माफियाओं से गठबंधन हो चुका है, अपराधी बेलगाम हैं और जो अधिकारी हैं वे बेखौफ हैं, पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है और सरकार का कोई सरोकार नहीं है। किसानों के साथ लगातार ज्यादती हो रही है, उनके उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जो मातृशक्ति महिलाएं हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है, अंकिता भंडारी हत्याकांड की मैं कौन वो भाजपा का चेहरा है जो इसमें संलिप्त है, आज भी उसका नाम उजागर नहीं हो पा रहा है। हमारी दलित बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, शोषित वंचित समाज अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर 2024 के चुनाव में हम निश्चित रूप से जाएंगे और जनता के सामने इनका असली चेहरा उजागर करेंगे। नैनीताल लोकसभा सीट से आपने भी दावेदारी की है, क्या लगता है पार्टी आप पर भरोसा जताएगी इस बार? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ, मैंने स्क्रीनिंग कमेटी के सामने भी कहा है कि मैं चुनाव का मैं कहीं भी उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं प्रचार करना चाहता हूँ। जो भी पार्टी निर्णय करेगी, हाईकमान नेतृत्व तो जिनको उम्मीदवार बनाएंगे अलग अलग संसदीय क्षेत्रों से, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में पूरी ताकत के साथ प्रचार में भागीदारी करूंगा और कोशिश होगी कि हर असेंबली तक पहुंचूं। सर, खड़गे जी के इस दौरे से क्या लगता है आपको, कितना फ़ायदा होगा, कार्यकर्ताओं में कितना जोश देखने को मिल रहा है? देखिए, आज हमारा कार्यकर्ता जोश से लबरेज है और बड़ी बेसब्री से कांग्रेस के कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता आदरणीय खड़गे साहब का इंतजार कर रहे हैं। और जो एक अनुभवी नेता भी हैं, संगठनात्मक अनुभव भी है और जो प्रशासनिक अनुभव भी है, तो उनके निश्चित रूप से जो उनका संदेश होगा, जो उनका मार्गदर्शन होगा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई स्फूर्ति का संचार होगा, नई ऊर्जा मिलेगी। और इसीलिए हजारों हजार कार्यकर्ता, जो जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, जो गांव में रहता है, जो कस्बों में रहता है, जो छोटी बस्तियों में रहता है, जो पहाड़ में रहता है, जो शहर के बीच में रहता है, वो सब कार्यकर्ताओं का यहाँ पर समागम है। और ये कार्यकर्ता निश्चित रूप से इस संदेश को, खड़गे साहब के संदेश को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। और ये चुनाव की दृष्टि से मेरा मानना है कि आदरणीय खड़गे साहब संघनाद करेंगे और इससे हमारी चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि खड़गे जी के आने से जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर नई ऊर्जा का संचार हुआ है, 2024 के चुनाव का शंखनाद हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस कहां तक टिक पाती है। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।